रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2013-14 का रेल बजट लोकसभा में किया पेश। रेल बजट में यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं, आरक्षण शुल्क और तत्काल चार्ज में मामूली वृद्धि और माल भाड़े में 5% औसत वृद्धि का प्रस्ताव। 67 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित 107 नई रेलगाड़ियां चलाने का निश्चय। आजादी एक्सप्रेस रियायती किराए पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों तक चलाई जाएगी। चुनिंदा राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में अनुभूति के नाम से विशेष एसी डब्बे। रेलवे ने इंटरनेट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा की समय सीमा बढ़ाई। SMS अलर्ट सर्विस जल्द ही शुरू करने का प्रयास। चुनिंदा ट्रेनों में होगी मुफ्त वाईफाई सुविधा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला RPF कर्मियों की 8 अतिरिक्त कंपनियां बनाए जाने की बात कही। RPF की भर्तियों में महिलाओं के लिए 10% आरक्षण। कमजोर वर्गों और विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों के लिए 47,000 रिक्तियां जल्दी भरने का संकल्प। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस साल के रेल बजट को भविष्य में सुविधाओं में होने वाले सुधार को ध्यान में रखकर बनाया गया रेल बजट करार दिया। अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट रेलवे की वित्तीय वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने रेल बजट को बताया निराशाजनक। मुलायम सिंह यादव ने कहा रेल बजट में पिछड़े राज्यों की गई अनदेखी। अन्य दलों ने व्यक्त की मिलीजुली प्रतिक्रिया। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में जांच एजेंसियों को सभी जरूरी फाइलें उपलब्ध करा दी गई हैं। कहा कुछ फाइलों की तलाश जारी। भाजपा सदस्यों द्वारा सेतु समुद्रम के मुद्दे को राज्यसभा में जोर शोर से उठाए जाने पर उच्च सदन की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला द्वारा इस मामले पर अदालत का हवाला दिए जाने और कोई टिप्पणी न किए जाने से भाजपा सदस्य हुए उत्तेजित। आम बजट से पहले शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स 317 अंक गिरकर 19,015 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 93 अंकों की कमी, 5,761 पर हुआ बंद। चेन्नई टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 50 रन के लक्ष्य को मेजबान टीम ने 2 विकेट खोकर आसानी के साथ किया हासिल। धोनी बने मैन ऑफ द मैच।